अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ काली तुरई के छिलकों के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उसके लिए 1 किलो तुरई ली थी, उसके छिलकों को मैंने मोटा मोटा करके छील लिया था और साफ़ करके धो के उन्हें पानी में डाल के उबाल लिया, और उबल के ये अच्छे से गल चुके हैं। 15-20 मिनट मैंने इन्हें उबाला और ये देखिए बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। तो आज मैं इसके कबाब बनाऊंगी। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पड़ती है कबाब बनाने में। ये हरा धनिया लिया है मैंने 1 मुट्ठी, इसे बारीक काट लिया है। 4-5 हरी मिर्च, इसे भी बारीक काट लिया है। 10-12 मैंने पुदीने की पत्ती ली थी, इसको भी बारीक कट कर लिया। और ये लिया है आधा नींबू। कुछ मैंने लिए हैं सूखे मसाले, तो ये आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना ज़ीरा और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला और ये 3 छोटे चम्मच लिए हैं मैंने चावल का पिसा हुआ आटा। ये 1 कटोरी बेसन लिया है, बेसन बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए होता है। आप चाहें तो इसमें चने की दाल भी डाल के उबाल सकते हैं। ये ली 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसे बारीक चौक करके मैंने काट लिया है। ये देखिए, तो देखते हैं कैसे बनते हैं कबाब। जो छिलके मैंने उबाले थे इन्हें पहले मैं हाथ से निचोड़ लेती हूँ, इसका जो पानी है बिल्कुल निचोड़ के निकाल देती हूँ। इस तरीके से इसको निचोड़ना है, इस तरह से मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। बिल्कुल देखिए इसमें पानी नहीं है। अब इसे मैं मिक्सी के जार में, और ये देखिए मैंने इसका सारा पानी निचोड़ के इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसे मैं एक हल्का सा रौंद लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब जो मसाले हमने लिए थे वो सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। चावल का आटा, बेसन, प्याज, नींबू का रस, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक। अब इसको हाथ की मदद से ऐसे मिला लेते हैं। ये देखिए हमने एक डो जैसा बना के इसे तैयार कर लिया है। अब बनाएंगे अब इसके हम कबाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए। हाथों पे हल्का सा मैं तेल लगा लेती हूँ, ग्रीस कर लेती हूँ हाथों को। अब बनाते हैं हम इसके कबाब। बस इस शेप में हमें कबाब बनाना है। ये देखिए सारे कबाबों को हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमारे सभी टिक्की कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। 1 किलो तुरई के छिलकों में हमारे 8 कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ गैस पे रख दिया है एक पैन। पैन में हम डालते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑन। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है, गैस के फ्लेम को कर देते हैं मीडियम। अब इसमें हम डालते हैं ये टिक्की कबाब। बस 4 कबाब डालेंगे, सारे नहीं डालेंगे हम, एक दूसरे में चिपक जाएंगे। अब इसको अच्छे से एक तरफ से सिक जाने देंगे। जब एक तरफ से ये सिक जाएंगे फिर दूसरी तरफ से इसे हम सेकेंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें हम पलट देते हैं। और ये देखिए टिक्की कबाब बढ़िया से उलट पुलट करके हमने दोनों तरफ से सेक लिए हैं। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम ये दूसरी वाली भी सेक लेते हैं। ये देखिए हमारे सभी टिक्की कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं। बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं हमारे टिक्की कबाब तुरई के। वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो मेरी कैसी लगी, टिक्की कैसी बनी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।